हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन एडुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। ये है अनअकैडमी का अनअकैडमी यूपीएससी और आप देख रहे हैं मुझे यानी कि दुर्गेश नंदन को। अनअकैडमी यूपीएससी पर हम क्या करने वाले हैं, अनअकैडमी यूपीएससी पर आप जो एग्ज़ाम देते हैं हर संडे को, है ना, तो अगर जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूँ, अनअकैडमी यूपीएससी हर संडे एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज़ करवाती है, एक मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज़ करवाती है। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में आपको ऑल इंडिया रैंक्स मिलते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली कॉम्बैट इज़ अ मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट, है ना, मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट है ये। हर संडे को 11 बजे होता है, एवरी संडे एट 11 AM फॉर दोज हु डू नॉट नो, है ना। तो इस संडे को जो 11 AM पे कॉम्बैट का टेस्ट हुआ था, उस कॉम्बैट के टेस्ट में, है ना, जिन बच्चों को कन्फ्यूजन है कि सर हिस्ट्री के क्वेश्चन के आंसर्स क्या होंगे, तो आपको मैं बताने के लिए आया हूँ। और ये इनिशिएटिव हमारा हर वीक का इनिशिएटिव है ना, हर वीक आपके साथ एक एडुकेटर होंगे अनअकैडमी की तरफ से और वो आपको कॉम्बैट क्रैकिंग के बारे में बताएंगे, यहाँ पे आए हुए कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज का जो सेशन है इसमें बेसिकली हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, है ना, जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस अभी कल वाले सेशन में आए। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं सो दैट आपको एक पर्सपेक्टिव मिल सके, आपको इनसाइट्स मिल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके कॉम्बैट में आ रहे हैं, और फिर उससे आपको एक ये भी अंडरस्टैंडिंग हो सके कि अगले कॉम्बैट के लिए आप कैसे तैयारी करें। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर आप देखेंगे ये आर्ट एंड कल्चर से आया है, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर और ये एंशियंट स्कूल ऑफ आर्ट्स से संबंधित है, है ना। एंशियंट स्कूल ऑफ आर्ट्स से संबंधित इस क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट है गंधार स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में। कह रहे हैं गंधार स्कूल ऑफ आर्ट हैड फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड हेंस इट इज़ कंसिडर्ड एज सेकुलर आर्ट फॉर्म। गंधार को क्या कह रहे हैं कि एक सेकुलर आर्ट फॉर्म है। दूसरा स्टेटमेंट है मथुरा स्कूल के बारे में और कह रहे हैं कि दिस इज बेस्ड ऑन एक्सक्लूसिविटी ऑफ हिंदू इमेजेस। मथुरा स्कूल जो है वो एक्सक्लूसिविटी ऑफ हिंदू इमेजेस पर बेस्ड है। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है अमरावती आर्ट फॉर्म वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय सतवाहंस। अमरावती का जो आर्ट फॉर्म था उसके पैटर्न कौन थे, उसके पैटर्न सतवाहन थे, ऐसे यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, है ना। फटाफट से सोचिए आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए, क्विकली, है ना, इन द चैट बॉक्स, क्विक क्विक क्विक। चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि इसमें आप में से जो बच्चे आंसर दे रहे हैं उनमें से किन के आंसर सही हैं, किन के आंसर गलत हैं। लेट अस लुक एट द ऑप्शंस वन बाय वन, एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं और फिर पता चलेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। सबसे पहला आंसर स्टेटमेंट देखो, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट हैड फॉरेन इन्फ्लुएंसेस, ये बात तो बिल्कुल सही है ना। ग्रैको पर्जियन स्कूल भी बोलते हैं, ग्रीस और पर्जियन दोनों का इन्फ्लुएंस इस पे था, है ना, ईरानियन स्टाइल का और ग्रीस का, पर ये सेकुलर आर्ट फॉर्म है ऐसा नहीं कह सकते जी, है ना। डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ पे ग्रीक का इन्फ्लुएंस था, पर्जियन का इन्फ्लुएंस था, बट आप देखेंगे कि अगर थीम की बात करें, थीम यहाँ पर बुद्धिज्म है मेनली, है ना, थीम जो है वो बुद्धिज्म है, और अगर बुद्धिज्म थीम है तो फिर हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि ये सेकुलर है, है ना। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट वॉज बेस्ड ऑन एक्सक्लूसिविटी ऑफ हिंदू इमेजेस, ये भी गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपको हिंदू, है ना, बुद्धिज्म, जैनिज्म, है ना, सब कुछ देखने को मिल रहा था मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में। तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, है ना। थर्ड स्टेटमेंट है अमरावती आर्ट फॉर्म वॉज पेट्रोनाइज्ड बाय सतवाहंस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है अपने आप में। तो आंसर क्या होना चाहिए भैया, थ्री आंसर होना चाहिए, पर आपसे पूछा क्या गया था, नॉट करेक्ट, है ना, आपसे नॉट करेक्ट पूछा गया था जी, है ना। तो नॉट करेक्ट यानी कि वन और टू, ए इज़ द आंसर, ठीक है। आंसर क्या है भैया, ए इज़ द आंसर, वन और टू, ठीक है जी। चलिए तो एक्सप्लेनेशन तो कर ही लिया है हमने, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स वॉज रिप्रेजेंटेड बाय राइट विंगर्स इन द कांग्रेस एंड स्टिल बिलीव्ड इन द इंस्टीट्यूशनल वे ऑफ प्रोटेस्ट कंपेयर्ड टू लेफ्ट विंगर्स हु बिलीव्ड इन मास प्रोटेस्ट एंड रेडिकल एजिटेशन। क्या कह रहे हैं भैया, इनमें से कौन से लीडर्स जो हैं वो राइट विंगर्स हैं जो विश्वास रखते थे कॉन्स्टिट्यूशनल वे ऑफ प्रोटेस्ट में, एज कंपेयर टू जो लेफ्ट विंगर्स थे जो विश्वास रखते थे मास प्रोटेस्ट में और रेडिकल एजिटेशन में। तो आपको यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, इन लिस्ट में से आपको पहचानना है कि राइट विंगर्स कौन से। भैया सबसे पहली आपकी नज़र पड़नी चाहिए जवाहरलाल नेहरू पर, है ना। जवाहरलाल नेहरू और एस सी बोस ये दोनों ही लेफ्ट विंगर्स हैं, है ना, ये दोनों ही लेफ्ट विंगर्स हैं सर, है
है ना, तो 4 और 5 हटा दीजिए आप, 4 और 5 जिस जिस में है उसको हटाते जाइए, तो 4 और 5 आप हटाएंगे तो 2 ऑप्शन आपके वैसे ही हट गए, बचा आपके पास 2, 3 और 1, 2, 3। आपको एनालाइज करना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना राइट विंगर थे या नहीं थे। बिल्कुल सर, सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज अ राइट विंगर लीडर। इनफैक्ट जो तीनों लीडर के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, पटेल, सी राजा गोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर प्रसाद है ना पटेल साहब, ये सब के सब राइट विंगर्स थे। आपको याद होगा कि जब ट्रूज का फेज था उस समय ये लोग क्या बात कर रहे थे कि हम कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे, है ना, हम एजिटेशन नहीं करेंगे ट्रूज के टाइम पे, कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे। गांधी जी का फॉर्मूला था ना स्ट्रगल ट्रूज स्ट्रगल। जैसे अगर मैं बात करूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना के ही अंडर में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म कब हुआ? चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद। तो चौरी चौरा के बाद ये सवाल उठा ना कि अब क्या करें, है ना, अब क्या करें। उसी प्रकार का सवाल उठा आपके CDM के बाद, सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट के बाद, अब क्या करें। तो जो ये लोग हैं पटेल साहब हैं, है ना, राजा गोपालाचारी साहब हैं, राजेंद्र प्रसाद, ये बोलेंगे कि हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे, है ना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे। तो 1, 2, 3 दे आर है ना राइट विंगर्स, ठीक है, ये राइट विंगर्स हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 के इलेक्शन चल रहे थे उस समय ये बात चली थी। एक दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना, एक टर्म से संबंधित है ना, हिस्टोरिकल टर्म्स UPSC का फेवरेट रहा है। हिस्टोरिकल टर्म्स जो है वो UPSC का फेवरेट रहा है। UPSC कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछती रही है, आगे भी पूछेगी, है ना। दिस इज वन ऑफ द फेवरेट एरिया ऑफ UPSC, हिस्टोरिकल टर्म्स को जरूर कवर करें आप। विथ रेफरेंस टू टर्म खटबंदी, है ना, खटबंदी टर्म से संबंधित सवाल पूछा गया आपसे यहाँ पे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है रेगुलेशन इनेक्टेड बाई ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर द आर्टिजन्स। दूसरा कह रहा है सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग रॉ मटीरियल, है ना, फॉर द कारखानाज ऑफ मुगल। और तीसरा कह रहा है रेवेन्यू सिस्टम इनेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विजयनगर। चौथा है प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रेडिशनल लैंडेड क्लास बाय, है ना, खिलजीज। अब आपको सोचना है इसमें से सही क्या है गलत क्या है। जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में व्हाट इज द राइट आंसर। ए बता रही है अनगा, बिल्कुल सही जवाब है जी, ए इज द राइट आंसर, है ना, ए ही सही जवाब है। रेगुलेशन इनेक्टेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी एंड आर्टिजन्स, है ना, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। खटबंदी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा आर्टिजन्स के लिए रेगुलेशन था। क्या कह रहे थे इस रेगुलेशन में, व्हाट वाज द रेगुलेशन, व्हाट वाज द रेगुलेशन, बोल रहे थे, है ना, कि आप हमारे अलावा किसी को नहीं बेचोगे, है ना। तो एक्सक्लूसिविटी की बात हो गई यहाँ पे, एक्सक्लूसिविटी, ठीक है, कि हमारे अलावा किसी को नहीं बेचोगे। खटबंदी इज इंडेंचर रेगुलेशन विच बाउंड आर्टिजन्स पर्टिकुलरली ईस्टर्न इंडिया के, कि वो अपने प्रोडक्ट जो है एक्सक्लूसिवली ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचेंगे 70 ऑनवर्ड्स, है ना। तो इससे बेसिकली उनकी बार्गेनिंग पावर खत्म हो गई, है ना, उससे उनकी बार्गेनिंग पावर जो है वो खत्म हो गई सर। कंफर्टेबल है, खटबंदी समझ गए। अगले क्वेश्चन पे आइए, ये भी क्वेश्चन जो है ये टर्म्स से ही रिलेटेड है। मैंने आपको बोला हिस्टोरिकल टर्म्स जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीन टर्म्स दिए गए आपके सामने, अमील है, देसाई है और पाही है ना, देयर आर 3 टर्म्स। क्वेश्चन इज हु अमंग द अबव वाज वेयर नॉट द पार्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफिशियल्स, इनमें से कौन रेवेन्यू ऑफिशियल्स का पार्ट नहीं है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है ए, है ना, 1 और 2 ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, 2 only, 3 only या 2 और 3। फटाफट से सोचिए क्या आंसर सही है क्या गलत है। क्या सवाल पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट पार्ट ऑफ द रेवेन्यू ऑफिशियल, इनमें से कौन सा रेवेन्यू ऑफिशियल नहीं है ये बताना है आपको, है ना, कौन से रेवेन्यू ऑफिशियल नहीं है इनमें से। फटाफट से सोचिए इनमें से रेवेन्यू ऑफिशियल कौन नहीं है, जल्दी से सोचिए, जल्दी बताइए इनमें से कौन सा रेवेन्यू ऑफिशियल है कौन नहीं है। आसान क्वेश्चन है, आप मतलब इस क्वेश्चन के अक्रॉस आए होंगे कई बार। ए बता रहे, सी बता रहे, आइए देखते हैं। देखिए अमील जो टर्म है ना ये दिल्ली सल्तनत के दौरान, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, है ना, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे लॉ ऑफिसर्स हुआ, रेवेन्यू ऑफिशियल्स हुआ करते थे। देसाई की बात करूं तो ये वेस्टर्न इंडिया में, दक्कन में, है ना, देसाई की बात करूं तो वेस्टर्न इंडिया में या दक्कन में ये रेवेन्यू ऑफिशियल्स हुआ करते थे। पर अगर मैं बात करूं पाही की, है ना, इफ़ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ पाही, है ना, तो पाही जो है वो ऐसे फार्मर्स थे, है ना, ऐसे फार्मर्स थे, है ना, जो फार्मर दूसरे के लैंड पे, फार्मर्स जो अदर्स लैंड पे कल्टीवेशन करते हैं, है ना, अदर्स लैंड पे कल्टीवेशन करते हैं, अपनी ज़मीन के अलावा दूसरों की ज़मीन पर कल्टीवेशन करने वाले फार्मर को पाही कहा जा रहा है।
तो पूछा यही गया था आपसे कि इनमें से कौन सा रेवेन्यू ऑफिशियल का पार्ट नहीं है, तो पाही नहीं है जी, है ना। तो 3 ओनली इज द आंसर, बाकी 1 और 2 जो है वो रेवेन्यू ऑफिशियल्स के पार्ट हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बुद्धिज्म के संरक्षण से संबंधित है, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से राजा बुद्धिज्म का संरक्षण कर रहे हैं। पहला नाम है अजातशत्रु का, दूसरा नाम है पुष्यमित्र सुंग का, फिर है कनिष्क और फिर है हर्षवर्धन, है ना। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान है, जल्दी से आंसर बताने की कोशिश कीजिए और फिर मैं आपको सॉल्यूशन भी बताता हूँ फटाफट से। देखिए पहला नाम किसका, अजातशत्रु, है ना। अजातशत्रु इज अ इम्पॉर्टेंट नेम गाइस, अजातशत्रु इम्पॉर्टेंट नाम है, क्यों भाई? अजातशत्रु जो हैं ये तो बुद्धिस्ट के पैटर्न हैं, अजातशत्रु ने तो बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था, है ना। पुष्यमित्र सुंग ये तो भैया बुद्धिस्ट से बहुत नफरत करते हैं, है ना, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स को, है ना, तोड़ा, है ना, बुद्धिज्म से बहुत ज़्यादा नफरत है पुष्यमित्र सुंग की, जो कि बेसिकली ब्राह्मण है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो 2 हटा दीजिए आप, 2 जिसमें जिसमें वो आप वैसे ही हटाएंगे तो आंसर निकल जाएगा आपका 1 and 1, 3, 4, है ना। 3 में 2 है, 2 हटाएंगे आपका आंसर निकल जाएगा। कनिष्क, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, है ना, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाया इन्होंने, कहाँ, कश्मीर में, कुंडल वन में। और हर्षवर्धन, ये भी अपने, है ना, जीवन के लेटर फेज में बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे, तो 1, 3 और 4 तो बुद्धिज्म को सपोर्ट करते हैं, है ना, 1, 3 और 4 बुद्धिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो ये हो गया जी आंसर, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन पूछे गए आपसे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन बात कर रहा है गुप्ता पीरियड की, है ना, कह रहा है गुप्ता पीरियड सॉ डेवलपमेंट ऑफ नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल्स इन साउथ इंडिया और चोला पीरियड सॉ द राइज ऑफ वेसर स्टाइल इन द, है ना, दक्कन। करेक्ट बताना है सर, इससे आसान आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता कभी, है ना, आर्ट एंड कल्चर में इससे आसान सवाल नहीं हो सकता सर। गुप्ता के बारे में पहला स्टेटमेंट है ना, गुप्ता सॉ द डेवलपमेंट ऑफ नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल, है ना, साउथ इंडिया। भाई नागर स्टाइल जो है वो नॉर्थ इंडिया का स्टाइल है, है ना, जो साउथ इंडिया का स्टाइल है उसका नाम है क्या, द्रविड़ा, द्रविड़ा, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखो, चोला पीरियड सॉ द राइज ऑफ वेसर फॉर्म, वेसर सेंट्रल इंडिया में है, है ना, दक्कन में नहीं है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो करेक्ट पूछा गया है निदर 1 नॉर 2, है ना, निदर 1 नॉर 2, ठीक है सर। चलिए आसान से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन थे नहीं। इस क्वेश्चन को कीजिए विथ रेफरेंस टू टर्म अगम, है ना, मताज, विच ऑफ द फॉलोइंग आज करेक्ट। ये फॉक म्यूजिक है आंध्र प्रदेश का, ये एक सेक्ट है शैविज्म का। तीसरा है ग्रुप ऑफ आर्टिजन्स है जो कि फॉक डांस परफॉर्म करते हैं उड़ीसा में। और चौथा है आर्टिजन्स है बेकिंग द हैंडीक्राफ्ट इन सेंट्रल इंडिया। आपको बताना है इनमें से क्या सही है क्या गलत है, है ना, फटाफट से सोचिए, विच वन इज करेक्ट विच वन इज नॉट करेक्ट। फॉक म्यूजिक है क्या ये, या सेक्ट है शैविज्म का, जल्दी से सोचिए। अरे इसमें ऑप्शंस ही नहीं दिए गए ना, अच्छा ऑप्शंस हैं तो सही, ठीक ठीक, ABCD, जल्दी बताइए। तो बेसिकली अगमताज जो है ये शैविज्म का सेक्ट है, बी इज़ द राइट आंसर, है ना, बी सही जवाब है यहाँ पे। ये शैविज्म के अंदर सेक्ट हैं बेसिकली, है ना, दीज आर सेक्ट अंडर शैविज्म, इवॉल्व फ्रॉम द नायनर भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया, ठीक है जी। चलिए इस क्वेश्चन पर आइए, यहाँ पर एजर्सन और रीजन वाला क्वेश्चन दिया गया। एजर्सन ये है कि इनिशियल गुप्ता किंग्स बिलोंगिंग टू 4th century CE इशूड ओनली गोल्ड कॉइन्स इन द सर्कुलेशन, है ना, गुप्ताज के समय सिर्फ और सिर्फ ओनली गोल्ड कॉइन्स था। और दूसरा स्टेटमेंट है कि गुप्ता वॉज एम्पली गोल्ड, वॉज गोल्ड जो है वो काफ़ी एम्पल अवेलेबल था गोल्ड माइन से, है ना, दीज कॉइन्स वेयर मिंटेड बाय द स्टेट, कि भैया गोल्ड कॉइन्स बहुत ज़्यादा इसलिए था क्योंकि गोल्ड कॉइन्स यहीं पर गोल्ड माइन्स थे इंडिया में, उसमें बहुत प्रचुर मात्रा में अवेलेबल था। अब जब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट इनिशियल गुप्ता किंग्स बिलोंगिंग टू 4th century इशूड ओनली गोल्ड कॉइन्स, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ गोल्ड कॉइन्स इशू नहीं कर रहे थे, गोल्ड इशू कर रहे थे, ये बात सही है। और इवन अगर मैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात करूं, है ना, चंद्रगुप्त गुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त 2 की बात करूं, तो इन्होंने सिल्वर कॉइन्स भी इशू कर दिए थे, है ना, वही कुमार देवी वाले, इन्होंने सिल्वर कॉइन्स भी इशू कर दिए थे, ठीक है जी। तो सिल्वर कॉइन्स भी हैं, तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। गोल्ड एम्पल अवेलेबल है माइंस में, नहीं जी, गोल्ड जो भी भारत में आया प्री मॉडर्न टाइम्स में आया, जो भी गोल्ड भारत में, वो आया ट्रेड के जरिए, ट्रेड के जरिए। गोल्ड माइंस इंडिया में आपको पता ही है ज़्यादा नहीं है, तो ज्योग्राफी की नॉलेज होगी तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना, ज्योग्राफी की नॉलेज से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आंसर क्या होगा जी, पहला गलत दूसरा गलत, यानी कि डी इज़ द आंसर, है ना, डी इज़ द आंसर, बोथ ए एंड आर आर
फॉल्स, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशन वेर नॉट रिटन बाय दादा भाई नेहरू जी, इनमें से कौन सा दादा भाई नेहरू जी का एक पब्लिकेशन नहीं है? वॉइस ऑफ इंडिया, राष्ट्र गोफ्तर, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दादा भाई नेहरू जी जिनको आप कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन, क्या बोलते हैं सर? ग्रैंड ओल्ड मैन, है ना। दादा भाई नेहरू जी इज नोन फॉर व्हाट? दादा भाई नेहरू जी इज नोन फॉर, जल्दी बताओ, दादा भाई नेहरू जी जाने जाते हैं किस चीज़ के लिए? दादा भाई नेहरू जी जाने जाते हैं अपनी इकोनॉमिक क्रिटिक के लिए, है ना। ही इज अ इकोनॉमिक क्रिटिक। तो दादा भाई नेहरू जी के अलावा कुछ और लोग भी हैं इकोनॉमिक क्रिटिक, उनमें से एक नाम आता है आरसी दत्त का, है ना, आरसी दत्त का। ये जो आरसी दत्त साहब है ना, आरसी दत्त ने ही लिखी थी ये किताब इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना। आरसी दत्त ने ही लिखी थी ये किताब इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगर मैं बात करूँ पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया की, है ना, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया की, तो ये किताब किसने लिखी सर? ये किताब लिखी दादा भाई नेहरू जी ने, है ना, दादा भाई नेहरू जी ने। और राष्ट्र गोफ्टर और वॉइस ऑफ इंडिया ये दोनों अखबार हैं, न्यूज़पेपर है, दादा भाई नेहरू जी के द्वारा संपादित, ठीक है। चलिए आसान क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से संबंधित, विमेन का, है ना, रोल सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में, ये टॉपिक है, इससे संबंधित है। पहला स्टेटमेंट है ताराबाई शिंदे वॉज रिफॉर्मर बेस्ड इन बंगाल, और दूसरा है द बुक एंटाइटल्ड अ कंपेनियन बिटवीन वेमेन एंड मेन वॉज पब्लिश बाय पंडिता रामाबाई। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट है। जल्दी से सोचिए, जल्दी से सोचिए, जल्दी से सोचो। नॉट करेक्ट पूछना है सर, आप पूछा गया आपसे, है ना। आइए देखते हैं, ताराबाई शिंदे वॉज अ सोशल रिफॉर्मर इन बंगाल। भाई नाम में शिंदे लगा है ना, ताराबाई शिंदे, तो बंगाल में ऐसा नाम होता है क्या? वेस्टर्न इंडिया की है ये, महाराष्ट्र, है ना, वेस्टर्न इंडिया, तो ये तो गलत हो गया, है ना। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? बरेरार से, बिरार, ठीक है, ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। अ बुक टाइटल्ड, है ना, अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन वॉज पब्लिश बाय पंडिता रामाबाई, ये भी स्टेटमेंट गलत है, है ना, ये भी स्टेटमेंट गलत है। ताराबाई की ही किताब है, है ना, कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन इज अ बुक बाय ताराबाई हर्सेल्फ, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, दोनों इनकरेक्ट हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, सी इज द आंसर, ठीक है। चलिए, तो दैट इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री क्वेश्चंस दैट वेर आस्क्ड इन कॉम्बैट। आई होप कि कॉम्बैट का टेस्ट अगर आपने इस बार नहीं दिया था तो अगली बार जरूर से देंगे, है ना। कॉम्बैट का लिंक जो है वो अभी के अभी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ, है ना, यू विल गेट द लिंक ऑफ द कॉम्बैट यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप क्लिक करेंगे तो कॉम्बैट का लिंक मिल जाएगा। गो टू कॉम्बैट एंड अभी के अभी आप संडे के लिए, है ना, ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पे आपसे कोड पूछा जाएगा, इनवाइट कोड, इनवाइट कोड में डाल दीजिए DN लाइव, जो नए बच्चे हैं, है ना, तो अभी के अभी आप कॉम्बैट के लिए जाइए और, है ना, रजिस्टर कीजिए अपने आप को। कॉम्बैट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय अन अकेडमी, आपको ऑल इंडिया रैंक पता चलता है, आपको रियल कॉम्पिटिशन का पता लगता है वहाँ पे, है ना। तो डू रजिस्टर एंड डू पार्टिसिपेट। इसके अलावा आप चाहें तो अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के भी हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे अभी कॉम्बो का ऑफर चल रहा है, मेगा सब्सक्रिप्शन है, अन अकेडमी अब आपको नोट्स भी दे रहा है, लोन भी ले सकते हैं आप। लोन का फॉर्म जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा। टेलीग्राम चैनल क्या है? @arohan1। वीडियो के एंड में भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल का नाम बता दूंगा। तो कॉम्बो में ये ऑफर है, आप 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर का प्लस का कॉम्बो या आइकोनिक का कॉम्बो ले सकते हैं। आइकोनिक में बेसिकली आपको मेंटरशिप अलग से मिल जाती है, है ना, मेंस के क्वेश्चन आंसर आप यहाँ पर लिख पाते हैं और आपको एक प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पर मिल जाता है। तो आप अगर चाहें तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आइकोनिक, और जो प्लस है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी आपको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है, आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। 1 ईयर का प्लस ज्वाइन करेंगे तो 25% डिस्काउंट के बाद जो प्राइस है वो 57 है, 2 ईयर में 83 है। फर्दर इसमें DN लाइव कोड अप्लाई करेंगे तो ये 51 और ये कितना हो जाएगा, 75 के आसपास, ठीक है, आप ले सकते हैं। कोड क्या अप्लाई करना है आपको? कोड ये अप्लाई करना है DN लाइव, है ना, ये कोड अप्लाई करना है आपको जब भी सब्सक्रिप्शन लेना है, सो दैट आप डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ जाएं और आपकी सॉलिड तैयारी यहाँ पे हो सके, है ना। कई सारे मल्टीपल बैचेस यहाँ पे शुरू हो रहे हैं, तो यू कैन ज्वाइन। 30th से शुरू हुए थे, 2nd से शुरू हुए थे, 9th से फिर से शुरू हो रहे हैं, मल्टीपल बैचेज आर देयर, यू कैन ज्वाइन दीज बैचेस, है ना। चलिए, तो GS ऑप्शनल, CSAT सब कुछ आप एक जगह पढ़ पाएंगे। बेसिक, फाउंडेशन, कैप्सूल, हर तरह के कोर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, बिल्कुल अनलिमिटेड एक्सेस है। लाइव क्लासेस होती हैं, बहुत इंटरेक्टिव है, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगा आपके पास,
कोड आपको ये वाला यूज़ करना है सो दैट आपको मेरा गाइडेंस मेरा सपोर्ट मिलते रहे पूरे एग्जामिनेशन के प्रोसेस में। सिर्फ GS लेना चाहें तो उसकी फ़ी ये है, कोड सेम रहेगा, है ना। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आपसे कभी भी कोड पूछा जाए तो सेम कोड आपको डालना है, ठीक है। डू रजिस्टर फॉर अनअकैडमी कॉम्बैट, है ना, नेक्स्ट संडे को फिर से होने वाला है। अगर आप टॉप 3 में होंगे तो आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, डू पार्टिसिपेट। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, है ना, सुबह मिलते हैं। सुबह मिलते हैं।